हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं एसके लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो देखिए, द पॉलिनोमियल्स इक्वेशन हुज हाइएस्ट डिग्री इज 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें क्या है कि द पॉलिनोमियल इक्वेशन, अब बात ये आती है कि जो ये पॉलिनोमियल है ये क्या है, तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज हाइएस्ट डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल क्या है, हम पहले इसकी बात करेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 है इसी सिलेबस में, उसमें हमें क्या है पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है, कोई भी फॉर्म लिखा हो जिसमें हमारा क्या हो, वेरिएबल हो और हमारा कांस्टेंट हो। क्या 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 हो हमारा, एक हमारा वेरिएबल और एक हमारा क्या हो, कांस्टेंट। अब ये बात ये आती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या चीज़ होती हैं, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेरिएबल की। तो आपका जो वेरिएबल होता है, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, जैसे कि ए बी सी डैश हम जेड तक ले सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल। ठीक, फिर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि जो भी आपके काउंटिंग नंबर हैं, जो भी हम काउंट करते हैं, जैसे अगर हम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 डैश डैश हम इन्फिनिट तक जा सकते हैं। ठीक है, यानी वेरिएबल क्या होता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होती हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारे काउंटिंग्स नंबर्स होती हैं। क्लियर, ठीक है। अब बात आती है पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स ऐसी चीज़ होती है जो इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है हमारा, कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, 2x² + 5x + 6, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है कि हम इक्वल में जीरो नहीं लगाते हैं, या फिर इक्वल में कोई चीज़ नहीं होती। अगर इक्वल में कोई भी हम कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने इक्वल टू यहाँ पे जीरो लगा दिया, ठीक, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इस जीरो को हटा दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है आपको? तक मैंने आपको समझा दिया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, वेरिएबल वो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, जो हमारे काउंटिंग्स नंबर होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी इन दोनों को मिलाकर जो भी हमारे ये फॉर्म बनेंगे उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब हमारे इक्वल में कोई भी चीज़ ना हो, जीरो या कोई भी नंबर या कुछ भी हो, अगर वो ना हो तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा दूँ, बराबर में जीरो लगा दूँ, इक्वल लगा के मैं अगर जीरो लगा दूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन। क्या होगा हमारा, इक्वेशन। तो इसमें यही कहा था उसने, द पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज हाइएस्ट डिग्री इज 2, मतलब जिसकी हाइएस्ट जो पावर है किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल कौन सा, इसमें कोई एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा कितना वेरिएबल, सिर्फ एक। और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2। कितनी होगी हमारी, 2। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का हमारा मतलब ही होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट जो पावर हो वो हमारे 2 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके टॉपिक में कि अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसका हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली इसकी, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम ये देखेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब ये बात आती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उसे किसी ऐसे रूप में दिखा दें जो सबको सेटिस्फाइड कर दें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ये होता है हमारा ax² + bx + c
इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा हमारा, इक्वेशन होगा। अगर मैं इक्वल टू जीरो हटा दूं तो क्या होगा हमारा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है वेयर, यहाँ लिखेंगे पहले वेयर एक्स इज अननोन वेरिएबल, जो x है इसमें वो क्या है हमारा, अननोन वेरिएबल है, यानी ये हमारे अल्फाबेट्स, यानी जब भी मैंने बताया था वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा क्या, हमारा वेरिएबल। ठीक, जो x है वो एक ही वेरिएबल होगा लेकिन उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो कितनी होगी, टू होगी, तो ही जाके हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें जो ये x है वो हमारा किसका काम कर रहा है, ये वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये कहोगे कि मैंने अभी बताया था कि ए बी सी ये भी तो अल्फाबेट्स हैं, ये भी तो हमारा क्या है, वेरिएबल है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं कि जो ए बी सी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड ए बी सी इज कॉन्स्टेंट, क्या है हमारा, ये कॉन्स्टेंट होगा, यानी ए बी सी यहाँ पे कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, जैसे कि दो लिख दिया मैंने, मैंने यहाँ पे तीन लिख दिया, यहाँ पे चार लिख दिया, यानी यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, जो x है वो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में देगा वो यहाँ पे x, y, z कुछ भी हो सकता है। ठीक है यहाँ तक, तो ये हमारे किसका था, स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, इसके जो टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चंस, जो हमारा टाइप है वो क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जो भी हमारी ये इक्वेशंस हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पाँच इक्वेशंस लिखी हुई हैं, हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि जो हम पहचान कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं कि कोई भी इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इसके लिए हमें सिंपल ये याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि जो वेरिएबल होगा हमारा इसमें, जो भी एक्स है, वाई है, जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, उसकी जो हाइएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, टू, कितनी होगी उसकी हाइएस्ट पावर, टू, हम उससे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ हमारा, 3x² - 7x - 11 = 0, ये हमारे पास है। तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे किससे, हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे चेक करेंगे। और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें मैं एक आपको बात बताना भूल गया था, इसमें आपको क्या याद रखना है, मैंने बताया था कि जो x होते हैं वो वेरिएबल है, ठीक है, ए बी सी जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन एक चीज़ आप इसमें आप और ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात मैं बताना भूल गया था पीछे, इसमें क्या याद रखना है कि a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी जो a है, जो हमारा a कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर मान लो अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये तो पूरा का पूरा हट जाएगा ना हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक कहाँ से बन गया, तो सिंपल वन पावर बचेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारी जिसकी पावर क्या होती है, वन होती है। ठीक, इसलिए हमें क्या करना है कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हमें ये चेक करना है, चाहे बी की वैल्यू जीरो हो जाए कोई मतलब नहीं हमें, सी जीरो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हाइएस्ट पावर टू है, यानी ए हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है ना, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है और एक याद रखना है कि a नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब चेक करते हैं, पहला दिया हुआ हमारा, अगर हम इससे कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो चेक कीजिए एक्स स्क्वायर जो a है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, थ्री है, तो हमें यह दिख रहा है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, टू है, कितनी है, टू, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यस ये हमारा क्या है, हमारा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है यहाँ तक, चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड है 5x² - 9 = 0, ये वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है कि a नॉट इक्वल टू जीरो, चाहे b या c जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5x² - 9 = 0, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं 5x² - 9 = 0, हम कंपेयर करेंगे किससे, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेयर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी सबसे बड़ी, सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर देखेंगे टू टू, ए की वैल्यू कितनी है फाइव है, रूल क्या कहता है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे फाइव है जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बी एक्स यानी एक्स तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो मैं इसे ऐसे तो लिख सकता हूँ, इसे मैं रफ करके लिख सकता हूँ प्लस जीरो एक्स और माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी वैल्यू में अगर हम जीरो के इनटू कर दें तो जीरो होता है, और जीरो का मतलब क्या है, प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने अभी बताया था ना कि बी या सी जीरो हो जाए लेकिन ए की वैल्यू जीरो ना हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है वो सबसे बड़ी पावर क्या है, स्क्वायर यानी पावर कितनी है टू है, तो इसका मतलब ये भी क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यू ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अब हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे वन है, यहाँ वन है, यहाँ पावर वन है, यहाँ भी पावर वन है, तो आप ये कहोगे कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमें पहले ऐसे नहीं करना है, हमें देखना है कि अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो पहले हम सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इक्वेशंस तो आएगा ही, मैंने बताया था कि क्या होगा हमारा, इक्वल का साइन लगेगा इसमें, ठीक। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे x माइनस टू है, बीच में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू करते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ भी हम इंटू करेंगे, तो पहले हम इंटू करेंगे कैसे, इसके इंटू पहले इन दोनों के साथ, फिर इसके इंटू इन दोनों के साथ, सेम ऐसे पहले एक को पकड़ेंगे इसके इंटू इन दोनों के साथ, फिर इसके इंटू इन दोनों के साथ, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, x की x में तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। x की प्लस वन में करेंगे तो यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है हमारा, तो x की वन में करेंगे तो हो जाएगा हमारा x, ठीक है। फिर हमने यानी इसके इंटू इन दोनों के साथ कर दी, अब टू को पकड़ेंगे, लेकिन ये माइनस टू है ना तो हम साइन के भी इंटू करते हैं, ये सबसे पहले ध्यान देना है, पहले साइन के इंटू, फिर हमें जो कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी दे रखा है हम पहले उसके इंटू करें, फिर उसके बाद इसके इंटू करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस टू और एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स, ठीक है यहाँ तक। फिर माइनस प्लस माइनस और टू वन जा टू, यानी टू के इंटू वन में करेंगे तो टू वन जा टू, ये हो गया इक्वल का साइन लगाइए। फिर सेम ऐसी एक्स के एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स के थ्री में करेंगे तो प्लस का थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस वन के एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स होगा, ठीक है। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और थ्री बन जा थ्री, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम ये चेक करते हैं कि अगर कोई भी हमारे इसमें सेम है, जो वेरिएबल की जो पावर है, जो डिग्रीज हैं, अगर वो सेम है तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये एक्स स्क्वायर है और इक्वल में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल कर सकते हैं, यानी जब इक्वल में कोई भी हमारे वैल्यू लिखी हो और उसका साइन सेम हो और इक्वल में हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या होगा, हम इसमें माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का एक्स माइनस का टू, इसमें से करेंगे तो ये बचेगा टू एक्स और माइनस का थ्री। तो इसके चेक कीजिए, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, वन है, कितनी है वन, इसके आगे सॉल्व होने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर देख लेंगे कि इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, वन है, तो इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा फोर, ये दिया हुआ है। पहले हम इसे भी क्या करेंगे, जैसे अभी हमने इसे इस वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया था, फिर चेक किया था कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो टू है या नहीं है, अगर सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर यानी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी टू होगी तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हाईएस्ट पावर टू नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। कंपेयर किससे करना है, हमें से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है कि जो एक्स स्क्वायर है ए की वैल्यू जीरो ना हो और जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर हो कितनी हो, टू हो, ये हमारी डेफिनेशन कही थी इसने, तो उसे हम क्या पहचानेंगे कि वो क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री और इंटू में वाई प्लस वन,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी हमें इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको सबको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए इससे लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यानी a का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 का 2 y हमारा ये आ गया, और b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2y, ठीक है यहाँ तक। फिर इक्वल का साइन, ये 3 है, 3 की इंटू किस में करनी है, y में भी करनी है और 1 में भी, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3y प्लस 3, यानी 3 की इंटू पहले y में करी हमने, ठीक है, फिर 3 की इंटू किस में करेंगे, 1 में करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इन दोनों की इंटू इन दोनों के साथ, यानी जो भी यहाँ पे बाहर इंटू ही तो है, यानी इस 3 की इंटू इन दोनों के साथ करनी है, तो 3y प्लस 3, ठीक, इन सबको उठाकर इधर ले आइए, इसको हम बराबर में इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें इक्वल में क्या बनाना है, 0, हम इक्वल में 0 करते हैं, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। कैसे, कोई भी वैल्यू हो अगर हम उसे इक्वल से लेफ्ट में ले जाएं या राइट में लाएं, तो उसका क्या होता है, साइन हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या होता है, साइन उसका चेंज होता है, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो गया, हमने इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करी है, तो इसका मतलब इसके जो साइन होंगे वो सेम होंगे, यानी प्लस माइनस जो भी हमारा वो सेम होगा, हमने इक्वल में क्या बना लिया, 0, ठीक। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर जो है वो सेम है तो उसे हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो देखिए वाई स्क्वायर और कोई तो नहीं है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, पावर 2 हो गया, फिर क्या लिखना है, पावर 1, हम स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से चलेंगे, तो पावर 1 वाली कौन कौन सी है, 2y माइनस 3y, तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का y, क्या बचेगा हमारा माइनस का y, फिर चेक करेंगे क्या, c जो सिर्फ हमारा कॉन्स्टेंट होता है, पहले पावर 2 पावर 1 फिर पावर 1 के बाद क्या आएगा हमारा, सिंपल कॉन्स्टेंट आएगा, तो कॉन्स्टेंट क्या है इसमें, 1 है और माइनस 3 है, 1 है और माइनस 3 है, तो अगर हम इसमें से माइनस करें तो क्या बचेगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आप कंपेयर कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें क्या कहता है हमारा, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी जो वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, मैंने बताया था कि जो वेरिएबल कुछ भी दे सकता है, a b c x y z कुछ भी दे सकता है, तो इसने यहाँ पे क्या दिया है, y में दिया हुआ है, ठीक है। तो y की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, सेटिस्फाइड। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है, यहाँ पे 1 ही तो होगी, अगर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, मतलब 0 नहीं है, क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हम लिख सकते हैं कि हाँ ये QE यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। सबसे पहले हम इसे भी क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे, अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, माइनस प्लस जो भी हम पहले उसे सॉल्व करने के बाद फिर चेक करेंगे कि उसके हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है और a की वैल्यू 0 है या नहीं है, दो चीज़ें हमारी चेक करनी होती है। चलिए तो इसे तो हम ऐसे रखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है आपका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसमें यही लगाएंगे, हम ये लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2ab, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 2 का 2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो पहले हम कॉन्स्टेंट की इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 और x का x, यानी इसका जो 2ab बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x, क्या बनेगा हमारा 4x, ठीक है।
या अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इक्वल में है और अगर साइन सेम है और सभी चीज़ इसमें सेम है, साइन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है इक्वल में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो हट गया, क्या बचा, हम इक्वल में जीरो बना लेते हैं, तो ये कर लेंगे हम 3x प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसको लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू जीरो, यानी हम इक्वल से इधर की साइड लेके आए हैं, तो जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा। फिर चेक करेंगे, ये भी x है ये भी x है, यानी इनकी पावर क्या है, सेम है, तो हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें प्लस में है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7x, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और फिर 1 और माइनस 4 तो ये बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक, अब हम चेक किससे करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये वही चीज़ कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है हाईएस्ट, नहीं है, यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो जाहिर सी बात हमें यही पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है, तो हम इसे तो चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब हाईएस्ट पावर ही नहीं मिला तो हम a की वैल्यू कहाँ से चेक कर लें, ये तो b आ गया ना यहाँ पे b के लिए, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, कि नो क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। ये था आपका इंट्रोडक्शन, सिंपल सा था कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं, फिर कि कई सारे अगर इक्वेशंस दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, सिंपल फॉर्मूला कि क्या करना है, कि अगर सिंपल दिया हो तो चेक करना है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से चेक करना है, अगर ऐसे घुमा घुमा के दिया हो तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर कोई मेथड लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करना आपको। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस चैप्टर का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, वो क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ मेथड्स बताए जाएंगे आपको, मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जिससे हम किससे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि सॉल्व क्या करना है, तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें जो ये वेरिएबल है एक्स है ना, एक्स है, तो इस वेरिएबल की हम वैल्यूज निकालते हैं और उस वैल्यूज को बोलते हैं हम रूट्स। क्या बोलते हैं हम रूट्स बोलते हैं, कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड दिस, यानी इसमें मेथड्स दिए हुए हैं, कुछ ना कुछ मेथड्स हैं उससे हमें निकालना है। ठीक है, तब उस मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे, किसके लिए, रूट्स, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम रूट्स निकालेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। अब ये रूट्स का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स है उसका मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल की वह वैल्यू जो क्या करे, उस इक्वेशन को पूरी तरह कंप्लीटली क्या करे, सेटिस्फाइड कर दे। कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x के यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ले लूँ जो वैल्यू यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ रखने पर अगर वो टोटल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। कितना आ जाता है हमारा, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशंस की एक रूट कही जा सकती है। मैंने यहाँ बोला एक रूट्स, अभी एक रूट्स का मतलब क्या है, तो आप ये सोचोगे कि इसके ज़्यादा भी होते हैं, तो हाँ बिल्कुल। कैसे पहचानेंगे हम, कि हमें चेक करेंगे कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे उसके जो रूट्स आएंगे हमेशा कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम साइन हो अलग साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आएंगे कितने हमेशा, 2। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उसकी तो उसके रूट्स भी उतने ही होंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। हाईएस्ट पावर 4 है तो कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन इसमें कितने हैं, 2 है ना, तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे। अब इन्हीं रूट्स को निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, अब उस मेथड्स के पहले नाम जानते हैं, फिर एक एक करके उन्हें हम पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, FACTORIZATION, फैक्टराइजेशन पहला मेथड। सेकंड मेथड है हमारा
परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड मेथड क्या हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। इसके तीन मेथड्स हैं, पहला फैक्टराइजेशंस, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, तीसरा क्या हमारा? तीसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे हम कभी कभी ये भी बोल सकते हैं फॉर्मूला मेथड। उसमें क्या सकता है कि इसका अब किससे हमें करना है? बाय फॉर्मूला मेथड, तो इसे हम फॉर्मूला मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीन मेथड्स हैं हमारे, कौन कौन से? फैक्टराइजेशंस, इससे हम रूट्स निकालेंगे। सेकंड है परफेक्ट स्क्वायर, इससे भी हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स ही फाइंड करते हैं। ठीक, थर्ड है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, अब आप ये सोचोगे कि हमें निकालने तो रूट्स ही हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग क्यों, तीन मेथड क्यों? तो तीन मेथड इसलिए है कि अगर मान लो कोई भी इक्वेशन है उसका हमने फैक्टराइजेशन से किया, इससे नहीं हुआ परफेक्ट स्क्वायर से होगा, परफेक्ट स्क्वायर से नहीं हुआ तो इससे तो पक्का ही होगा। ये फॉर्मूला, ये मेथड ऐसा है, ये मेथड क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बड़े आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, यानी अगर इन दोनों से नहीं होगा इस मेथड से तो इससे तो पक्का ही होना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, पहला करेंगे हम फैक्टराइजेशंस, अब ये मेथड क्या है तो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं पहले मेथड का हमारा पहला क्वेश्चन, अब इसे हम कैसे करेंगे। सिंपल, आपको मेथड ध्यान रखना है और फिर इसके आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये दिया हुआ है ना हमारा, तो देखिए इसमें क्या है, पहले चेक करेंगे क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? है, क्यों? क्योंकि इसके जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, a की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे जो हमें सॉल्व करना है वो फैक्टराइजेशन से करना है, और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है इसमें कैसे करना, ध्यान से देखना। जो हाईएस्ट पावर है उसे हमें रखना है सेम, यानी एक्स स्क्वायर को हमें सेम लिखना है। जो भी हमें चेंजमेंट करनी है वो किसमें करनी है? इसमें, यानी जिसकी पावर क्या है? 1 है। पावर क्या है? 1 है, हमें उसमें चेंजमेंट करना है। अब कैसे करेंगे चेंजमेंट? हम क्या करेंगे, अगर हम इसका कोफिशिएंट देखें तो 1 है a, जो c है वो 10 है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू -10 है। हम साइन भी देखेंगे, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है? -10। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो a और c होता है उसकी आपस में करते हैं इनटू मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, जो भी इक्वल में आएगा, जैसे क्या आ गया ac, यानी कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ac आ गया, यानी हम इसमें देखो करते हैं 1 की इनटू करनी है -10 में, 1 की इनटू करनी है -10 में, तो क्या आ गया माइनस का 10, यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 आया है। 10 की इनटू 1 में करिए कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर वहीं आते हैं, जो बीच में होता है जिसकी पावर 1 होती है, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है, हम उसमें आते हैं, उसका जो कोफिशेंट है उसे हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो साइन यहाँ पर है माइनस है ना, तो माइनस करने पर 3 आए, ध्यान से सुनिएगा, माइनस करने पर 3 आए, और उन्हीं नंबर्स को जिस हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे उन्हीं नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। क्या आए? 10 आए, यानी हमें जो पहला है उसे हमें सेम रखना है, ए और सी के आपस में इंटू करनी है, बीच वाले को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि माइनस करने पे जो साइन यहाँ पे होगा ना सी वाले में वो चेक करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे आए, माइनस है तो माइनस करने पे आए, यानी माइनस करने पे तो 3 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर जो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 10 आए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो पहले हम चेक कर लेंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं कि जिन्हें माइनस करने पर 3 आए, पहले चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे रफली हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमें पता है कि अगर मैं 7 में से 4 माइनस करूँ तो 3 आएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर मैं लिख सकता हूँ कि मैं 5 में से 2 माइनस करूँ तो 3 आएगा, हो सकता है। फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 9 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ तो भी 3 आएगा, है ना। तो ऐसे हम कई सारे बना सकते हैं ना, हम पहले चेक करेंगे कि हम क्या क्या माइनस करके हम ये ला सकते हैं, यानी जो हमें लाना है। फिर हम उस नंबर को चूज करेंगे, उस नंबर को लेंगे, दो नंबर्स को जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे उसी नंबर के बराबर आए जो ए और सी को करने पे आया था मल्टीप्लाई। ठीक, तो चेक करते हैं, अगर हम 7 की मल्टीप्लाई 4 में करें तो 7 4 जा 28, तो हमें 28 तो लाना नहीं है, हमें क्या लाना है? 10 लाना है।
क्या लाना है 10। फिर चेक करते हैं, अगर 9 की 6 में करेंगे तो 9 6 जा 54, तो 54 लाना था हमें, नहीं लाना, तो हमारा बच गया ये 5 2 जा 10। मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और इन्हीं को माइनस करने पे 3 भी आ रहा है, यानी इसने दोनों साइड कर दिया, यानी माइनस करने पे 3 और मल्टीप्लाई करने पे 10। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन हमें ऐसे लिखना है, हमें 3 को हमने किस में चेंज किया 5 माइनस 2, और जो x है वो हमें वो बाहर लिखना है, माइनस 10 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यानी हमें जो भी हमें चेंजमेंट करना है वो किस में करना है, बीच वाले में, यानी जो b की वैल्यू है अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो, यानी जिसकी पावर 1 है हमें उसमें चेंजमेंट करना है, उसको किस में, उसके कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जो भी इसके साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है कॉन्स्टेंट, उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, तो हमने इसमें चेंजमेंट किया, अब आगे सॉल्व करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, इसको सेम लिखना है। अब क्या है, एक्स की इंटू अब इन दोनों के साथ होगी ना, इंटू में है तो 5 के साथ भी और 2 के साथ भी, और हमें बाहर साइन का भी ध्यान रखना है, माइनस है तो जाहिर सी बात है ये क्या कर देगा, साइन को चेंज कर देगा, यानी प्लस माइनस, माइनस का ये हो जाएगा 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या है, पहले हमारे पास 3 टर्म्स थे, अब कितने टर्म्स हैं हमारे पास, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म्स को एक साथ, इन 2 टर्म्स को एक साथ, अब इन दोनों में अलग अलग हम कॉमन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें कॉमन है। ठीक, तो चेक करेंगे इसमें, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, एक्स इन टू एक्स लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 5 इन टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कॉमन है इसमें, एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने एक्स को ले लिया कॉमन बाहर। जब भी हम कॉमन लेते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, जो चीज़ हमारी बचती है उसे अंदर लिख देते हैं, यहाँ बचा एक्स, यहाँ माइनस है तो आ जाएगा माइनस का 5, यानी यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, यानी मैंने x ले लिया कॉमन तो क्या बचा x माइनस 5, यानी इन दोनों में कॉमन लेने पे ये आया x और x माइनस 5। सेम ऐसी इसमें चेक करेंगे, जो साइन पहले है उसे लगा दो, इसमें समय सारे कंडीशंस ध्यान रखने में क्या क्या करना है, पहले चेंज, फिर इनटू, फिर हमें कॉमन लेना है, यहाँ पे क्या करना है, दूसरे में लेकर जो साइन यहाँ पे है ना, अगर मान लो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो पहले माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, जो साइन पहले है उसे हम पहले लेंगे, तो प्लस आ गया। इसमें क्या कॉमन है, अब इसमें देखेंगे ये 2x है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इन टू एक्स, माइनस है मैंने माइनस लगाया। ठीक, ये जो 10 है इसे मैं स्मॉलेस्ट नंबर्स में कैसे तोड़ सकता हूँ, 5 10 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, लिख सकते हैं ना, 2 5 10 होता है हमारा, तो देखिए क्या कॉमन है इसमें, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 आ गया हमारा कॉमन, 2 क्या आ गया कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 5, यानी जो चीज़ कॉमन बचती है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जो कॉमन आते हैं उसे हम बाहर लिखते हैं, यानी इन दोनों में कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आया, x माइनस 5 ये इक्वल टू 0। ठीक, पहले 3 टर्म्स से हमने 4 टर्म्स बनाए, अब हमारे कितने बच गए, 2 टर्म्स। अब देखेंगे इन दोनों में क्या चीज़ कुछ कॉमन है, इसमें कॉमन है x माइनस 5। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप इस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्रैकेट में से बचते हैं वो ज़्यादातर हमेशा सेम ही आती हैं। आपको चेक करने का तरीका भी हो सकता है कि अगर आपको सेम नहीं आ रहा है तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी गलती कहाँ पे है, कहीं ना कहीं गलती पक्का होगी, और इसमें कन्फर्म है कि हमेशा क्या आएंगे, ये सेम ही आएंगे। ठीक, तो इन दोनों कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ ये x माइनस 5, और ये क्या बचा फिर, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 2 इक्वल टू 0। हमें तो रूट्स फाइंड करने हैं, हमें क्या फाइंड करने हैं, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, पहले इसको बराबर 0 लेंगे फिर इसको बराबर 0 लेंगे इक्वल में, तो ये लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अगर मैं इसे इक्वल में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2, तो पहला रूट्स क्या है 5 और दूसरा रूट्स क्या है 2 माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया आपके रूट्स। अब हम इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि हमारी और प्रैक्टिस हो सके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक, हमें भी इसे इसी फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं,
ठीक है, तो कैसे करेंगे हमें क्या, अगर मैंने क्या बताया था कि पहले ए यानी जो ए कोफिशेंट है इसकी इंटू करते हैं सी के साथ, क्या करते हैं हम इंटू। तो अगर हम इंटू करेंगे तो अगर 100 की इंटू अगर हम 1 में करें तो जाहिर सी बात है 100 ही आएगा। ठीक, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हम ये चेक करेंगे यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है तो प्लस है तो प्लस करने पे 20 आना चाहिए, अगर माइनस होता तो हमें माइनस करके 20 लाना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे ऐसे दो नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे 20 को कि प्लस करने पे 20 आए। ठीक है, और उन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 100 आए। तो वही मेथड रफ में आप चेक कर लीजिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम प्लस करके 20 ला सकते हैं। तो सिंपल मेथड है कि अगर हम 15 में प्लस 5 करें तो हमारा 20 आता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ कि 12 प्लस 8 हमारा ये भी 20 आता है। हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं ना, तो एक हम ये भी लिख सकते हैं 10 प्लस 10 भी 20 होता है, लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, हम चेक करेंगे, अब क्या चेक करेंगे कि क्या इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम 15 की 5 में इंटू करें तो 15 5 जा 75, 100 तो आ नहीं रहा, तो मतलब ये हमारा नहीं है। ठीक, फिर 12 की 8 में करेंगे, ठीक है, तो क्या इसमें 100 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, नहीं होगा। फिर 10 प्लस 10 ये भी 20 है, तो अगर मैं इनकी इंटू कर तो क्या 100 आएगा, तो 10 10 जा 100, तो इसका मतलब हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैं लिखेंगे ऐसे पहला टर्म्स हमें सेम लिखना है, जो भी चेंजमेंट करनी है वो सेकंड वाले में करनी है, तो 10 प्लस 10 और एक्स हमारा बाहर प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक, तो हम क्या करेंगे फिर से सेम में रखेंगे इसे, हम पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस है ना, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है हम प्लस में माइनस की इंटू करें तो माइनस आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस की माइनस में करते तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10x और ये भी हो जाएगा माइनस का 10x और प्लस का 1 इजकल टू 0। ठीक, थ्री टर्म्स फोर टर्म्स आते क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, दो टर्म्स को एक साथ रखना है और इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन पॉइंट्स लेंगे कि क्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो हम इसमें कर सकते हैं 100 को भी मैं लिखना चाहिए, लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स इसको, ठीक इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस का 10 इंटू एक्स, तो क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 10 कॉमन है और एक x कॉमन है, दो चीज़ कॉमन है ना, तो इसका मतलब क्या आ गया 10x इसमें क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब जो चीज़ बची है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे इसमें से, सॉरी यहाँ पे ये 10 नहीं था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये x कॉमन आया था। ठीक, तो क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ पे 10x बचा और माइनस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, पूरा निल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, निल का मतलब ये है कि हमें 1 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है 1, तो हमने 10x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 10x और माइनस का 1, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ बचा कॉमन आया था 10x, यहाँ लिख देंगे 10x माइनस का 1, फिर यही साइन क्या लेना है, माइनस जो साइन पहले है, मैंने बताया था अगर साइन दोनों में सेम है तो वो साइन हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन अगर अलग अलग है तो जो साइन पहले है हमें उसे लिखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, 10x 1, कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर इसे हम चेंज भी करें तो 1 इंटू 1 लिखेंगे, इसे हम 10 इंटू एक्स लिखेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो हम वहाँ पर कॉमन क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं 1, तो 1 कॉमन लेते हैं जहाँ भी, तो जो भी यहाँ पे है हमारा सेम वही बचता है, लेकिन यहाँ पे 10x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, क्या जाएगा माइनस का 1, यानी अब आप यहाँ पे कहोगे कि हाँ तो प्लस है यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए ना, यहाँ पे माइनस की इंटू अगर प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस की इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी अगर बाहर माइनस है, अगर हमने जबरदस्ती यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जहाँ भी माइनस आएगा वो साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, अब इसमें देखेंगे तो इसमें कॉमन है 10x माइनस 1 और क्या बचा फिर से हमारा 10x माइनस 1, दोनों सेम है ना, तो हम इसको क्या ले लेंगे, इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक ही को ले लेते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेना है, पहले 1 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू प्लस का 1 और ये x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो गया आपकी x की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आएंगी 1 बाई 10 1 बाई 10, क्योंकि दोनों क्या है सेम है। ठीक है,
अब नेक्स्ट मेथड जो है अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपकी हमारी जो नई वीडियो है अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।